स्वागत है दोस्तों थोड़ा थोड़े अपने चैनल पंजाबी टॉक्स विच। दोस्तों हाजिर हो एक नवी जानकारी लैके एक नवी वीडियो लैके। पंजाब के इन सारे स्कूलों 18 नवंबर तक लागू यही हुक्म, विद्यार्थियों लिए आई अहम खबर। दोस्तों की है पूरी अपडेट जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहला छोटी जी बेनती है, अगर तुम साडे चैनल पर पहली बार आए हो तो कृपा करके साडे चैनल पंजाबी टॉक्स में सबसक्राइब कर लेना और नाल ही बैल आइकन का बटन दबा लेना ता ही साडी आने वाली सारी वीडियो सब तो पहला तुहाडे तक पहुँच सके। तो दोस्तों आओ नजर मारते पूरी खबर से। पंजाब मिड डे मील सोसायटी वालों जारी किए गए पत्र अनुसार जिला सिक्ख्या अधिकारियों एलीमेंटरी और सैकेंडरी निर्देश दिए गए हैं कि वह अपने संबंधित जिले के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों राष्ट्रीय डी वार्मिंग दिवस का आयोजन करन। सेहत और परिवार कल्याण विभाग पंजाब सरकार वालों निर्धारित प्रोग्राम तहत यह मुहिम 8 से 18 नवंबर तक चलेगी। इस विच पहली तो 12वीं जमात तक के विद्यार्थियों को पेट के कीड़े तो बचाने लिए दवाइयां वंडियां जाएंगियां। उक्त पत्र च यह भी निर्देश दिए गए हैं कि सारे स्कूलों च दवाई वंडन लिए जरूरी प्रबंध किए जाण ता कि किसी भी बच्चे को दवाई तो वांझा ना रहना पवे। विशेष ध्यान दिता जाए कि दवाई किसी भी बच्चे को खाली पेट ना दी जाए, सगों भोजन तो बाद ही दी जाए ता कि बच्चों की सेहत पर कोई माड़ा प्रभाव ना पवे। इस मुहिम की समाप्ति उपरंत सारे स्कूलों को मुख्य दफ्तर च रिपोर्ट पेश करनी होगी और सेहत संबंधी डेटा TRG साइट पर भी भरन का निर्देश दिता गया है। अधिकारियों को यह यकीनी करने कहा गया है कि इन निर्देशों की सख्ती नाल पालना होवे। सो दोस्तों यह एक वड्डी जानकारी निकल के आई सी पंजाब के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के 18 नवंबर तक जारी नवे हुक्मों के संबंध में। सो दोस्तों अज की वीडियो में यही जानकारी सी। इस तरह के होर वड्डियां और ताज़ा खबरों के लिए साडे चैनल पंजाबी टॉक्स जुड़े रहना। मिलते हैं नवी वीडियो में नवी जानकारी। तद तक धन्यवाद जी।